सावनेर पंचायत समिति सदस्य राहुल तिवारी के चनकापुर कॉलोनी स्थित निवास के सामने खड़ी उनकी फोर व्हीलर गाड़ी को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने देर रात फूंक दिया। ये घटना मंगलवार की रात करीब 2 बजे के बाद हुई। अब देखने वाली बात ये है कि ये आग लगी है या फिर लगाई गई है, क्योंकि इससे पहले भी लोकमत के संवाददाता की गाड़ी इसी तरह जलाई गई थी। जानकारी अनुसार राहुल तिवारी और उनका परिवार वेकोली की चनकापुर कॉलोनी में रहता है, जो स्थानीय थाना क्षेत्र में काफी संवेदनशील माना जाता है। सिल्लेवाड़ा पंचायत समिति सर्कल से चुनाव जीते तिवारी ने बहुत ही कम समय में राजनीतिक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। मंत्री केदार ने भी समय समय पर उनके काम पर ध्यान दिया। मंगलवार की रात करीब 2:15 बजे राहुल की पत्नी को आभास हुआ कि कुछ आवाज आ रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डिस्प्ले शुरू कर देखने पर पता चला कि गाड़ी के पिछले हिस्से में भयानक आग लगी है। तुरंत परिवार सहित सभी ने आग को बुझाने की कोशिश की, परंतु वो इतनी तेज थी कि गाड़ी के अंदर का भाग जलकर खाक हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये आग लगी या फिर लगाई गई। 2 वर्ष पहले हुए आम चुनाव में सावनेर पंचायत समिति के सदस्य चुने जाने के बाद 12 जनवरी 2020 को राहुल तिवारी की कार में आग लगा दी गई थी। उस समय भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कोई आरोपी नहीं मिला। उसके बाद तिवारी के घर में 6 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, फिर भी दोबारा शातिर तरीके से आगजनी की गई। इस घटना से स्थानीय नागरिकों में रोष है। इससे पहले भी लोकमत के वार्ताहार की गाड़ी में आग लगी थी। वे इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करने गए तो पता चला कि आग रिले से लगी है। कई बार शॉर्ट सर्किट के वजह से और रिले से भी आग लग जाती है, इसलिए देखने वाली बात यह है कि इस बार आग लगी है या फिर लगाई गई है। रात को 2:10-2:15 के आसपास में आवाज हुआ, किसी ने आवाज किया, फिर सीसीटीवी से देखा तो गाड़ी जो है उसमें से आग निकल रही थी। फिर हमने देखा तो पीछे किसी ने गाड़ी को फोड़ करके गाड़ी का गेट को फोड़ा, पीछे से ग्लास को, उसमें पेट्रोल डाल के उस गाड़ी को जलाया उसने। सामने का टायर के पास उन्होंने फोड़ा था उसको, उसमें बहुत सारी एक तरफ की गाड़ी जली थी, उसमें भी लॉस हुआ। इस बार भी तो इस बार जो पुलिस को कल रात में आने के बाद में एक थम्सअप की बोतल है उसमें पेट्रोल डाल के लाया है, और जो ग्लास तोड़ा है उसमें भी स्मेल आ रही है। जिस 2 से 4 मिनटों जिस स्पीड से गाड़ी वहाँ पकड़ा, नेचुरली ऐसा पकड़ ही नहीं सकता। पेट्रोल का स्मेल भी है, पेट्रोल का बोतल भी वहाँ पुलिस ने बरामद किया। देखते आगे क्या होता है। मेरी किसी से दुश्मनी कोई है नहीं, आज की डेट में सबसे मेरे अच्छे रिलेशन है। अब किसी के मन में कोई बात तकलीफ हुई होंगी तो किसी ने किया होगा, उसको अपन नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार किसी तरीके से किसी से भी मेरी दुश्मनी नहीं आज की डेट में।